सो व्हाट्स अप माय ड्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं नीचे इसलिए बैठा क्योंकि जाजी भाई आए कुछ कलाबाजी करने के लिए। सो गाइस, मेरे हाथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोम शीट है, एंड इस पर हम लोग ने कुछ इस तरीके का सर्कल बनाया है। ये सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि ये हम लोग जो इसका डेमो बना रहे, डेमो बनाने के बाद जो मेन मटेरियल पे बनाने का है हम लोग को, इसका कवर जो आप लोग आजकल रील पे देख रहे हो वही सेम अपने इसे बनाने वाले, एंड किस तरीके से बनाने वाले वो भी आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली ये 17 इंच के एलॉयज़ है, जिसका हम लोग ने जो भी आपका जितना भी लेंथ लिया वो आप लोग को बताते हैं, और इसका डायमीटर कितना लिया वो बताते हैं। ये वर्जन 2 वर्जन 3 और अपनी KTM RC 200 सब में लग जाएगा पीछे का, तो उस तरीके से हम लोग बना रहे। एंड अभी फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, हम लोग खाली ये फोम शीट पे लेके फिर इसके बाद जाके लेज़र कटिंग करवाएंगे अपनी एल्यूमिनियम शीट पे। हम लोग एल्यूमिनियम का बना रहे हैं, अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ बहुत सारे एक्रेलिक शीट का भी आ रहा है, वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता है, बट अभी इसको क्या करेंगे, बराबर जितने भी ये सारे डायमेंशन लेंगे कट करेंगे। तो गाइस, हम लोग का यहाँ पे प्रोटोटाइप बन गया है, एंड आप लोगों को बताता हूँ ये वर्जन 2 का है और ये अपनी KTM RC का है। वर्जन 3 में भी लग जाएगा, RC में भी लग जाएगा। अभी हम लोग इसको आज जाके कटिंग कराएंगे और हो सके तो 3-4 पीस एक्स्ट्रा करवाएंगे। अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, जो भी कॉस्ट रहेगी मैं आप लोग को उधर बता दूंगा। ये कुछ इस तरीके से देखो बैठ जाएगा इस पर एकदम प्रॉपर, ये देखो देख रहे हो, और बस यहाँ पे होल करना है, ख़त्म, लग जाएगा। और रही बात उसकी, अपने जहाँ से हवा भरते हैं उसके लिए भी हम लोग ने कटिंग का मेजरमेंट ले लिया, आपको बताता हूँ। ये रहा, तो इसमें ये वाला पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे हवा के लिए अपने को इसको कट कर देंगे, एंड ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, काफ़ी इजी है, वही सेम इसमें V2 के लिए लग जाएगा। अभी जाएंगे अभी मटेरियल लेने, और अच्छा मटेरियल लेके इसको लेज़र कटिंग करवा के अपने लेके आते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर में। तो अभी इसको लेके चलते हैं एंड आगे का काम करते हैं। गाइस चेक दिस आउट, जो कवर है वो हम लोग ने अभी इंस्टॉल कर दिया है, एंड कितना ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है आप खुद देखो। एंड ये फुल कवर है, आपको कहीं पे भी एलंकीज का बोल्ट नहीं दिखेगा। हम लोग ने क्योंकि अंदर बाजू से लगा, इसको ब्लैक करना है, अभी जैसे सैंपल के लिए हम लोग लगाए, ब्लैक लगेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बोल्टिंग भी हुआ इसमें। एंड यहाँ से अब देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरा कंप्लीट डिस्क जो है, मतलब डिस्क के पीछे का जो पूरा प्लेट है, वो व्हील कवर कितना मस्त तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। और आप सर्कल भी देख सकते हो एकदम प्रॉपर है, देख रहे हो, और इस तरफ से भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो हाई ग्लॉस है, एकदम ज़्यादा ग्लॉसी है ये, एंड ये एल्यूमिनियम शीट का है। अभी जो मार्केट में मिल रहा है 1500-1600 रुपये में, वो एक्रेलिक शीट का रहता है, वो टूट जाता है आराम से भाई। और अब जब ज़्यादा टाइट करोगे तो आपको कर्वीनेस दिखेगा उसमें, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये 4 mm थिकनेस वाला है, एल्यूमिनियम शीट का है, बहुत ज़्यादा सही है। एंड इसका ग्लॉस भी हमेशा रहेगा ऐसा ही रहेगा क्योंकि एल्यूमिनियम शीट है। ये सेम चीज़ हम लोग ने ना वो बोर्ड देख रहे हो MAC 46 स्टोर का हब का, वो जो हब के पीछे जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है ना, वो सेम चीज़ इसमें हम लोग ने लगाई है, वो सेम मतलब मटेरियल यूज़ किया है, एंड बहुत ज़्यादा सही चीज़ है भाई ये। एंड ओवरऑल जो बाइक का लुक आ रहा है कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ, एंड आई होप आप लोग सबको पसंद आ रहा होगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट, www.mac46store.in से परचेस कर सकते हो, या तो आप जो है मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8200771809, आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। एंड बहुत ज़्यादा सही है ये चीज़, और पूरी बाइक का जो लुक आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा सही आ रहा है। ये KTM RC R15 Duke NS, मतलब जितने भी बाइक से जिसमें 17 इंच के टायर्स लगते हैं, एलॉय लगते हैं, वो सब में कंफर्टेबल है, मतलब सब में लग जाएंगे, ठीक है। बाकी लुक कैसा आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अभी ये RC भी अपने पास फुल मॉडिफिकेशन के लिए आई है, एंड इसमें हम लोग जो है कंप्लीट बॉडी किट लगाने वाले। दूसरी भी एक RC बॉडी जिसका मॉडिफिकेशन अभी स्टार्ट है, येलो कलर की, अपने इसको पेंट करने वाले, तो
तो वो भी उसका भी वीडियो आएगा। एक्चुअली ये प्रोडक्ट उसी बाइक के लिए बनाया गया क्योंकि वो कस्टमर को चाहिए था और हम लोग ने सोचा कुछ इनोवेटिव करते हैं। मार्केट में तो लेने जाएंगे तो 1500 रुपये का मिल रहा है, प्लस वो क्वालिटी नहीं मिल रहा था। मैं आपको 1500 रुपये में भाई क्वालिटी दूंगा, वो कभी टूटेगा नहीं, पत्थर लगे कुछ भी लगे, एक्रेलिक शीट का एक पत्थर लगेगा टूट जाएगा। अब प्लास्टिक भी आता है वो इतना रगड़ नहीं फील होता है, वो प्लास्टिक में भी जब ज़्यादा टाइट करते तो आपको वहाँ पे गड्ढा देखने मिलता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये आपको एकदम प्रॉपर लुक देगा। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी एक सेकंड, ये देखो अभी इसे गंदा है, धूल लगा इस पर, बट एकदम ज़्यादा शाइनी है ये। एंड ये आपको बॉक्स पैकिंग करके हम लोग भेजेंगे, तो कहीं भी भेजना है, आसाम नेपाल कहीं भी भेजना है आपने इजीली भेज सकते हो, और जो शिपिंग है वो अच्छे से होगी तो डैमेज भी नहीं होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और ये डैमेज होने के चांसेस नहीं, कि आप देखो ये एकदम ज़्यादा टफ है। और अपने कोई भी चीज़ बनाते, चाहे वो बॉडी किट हो या तो फिर कोई भी चीज़ जो अपने खुद का प्रोडक्शन है, वो हम लोग कोशिश करते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहे, और आप कभी भी परचेस करो तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चैनल को आपकी ज़रूरत है। कर दे इस वीडियो में, मिलते हैं अपने ब्लॉग में, पीस आउट। एक और चीज़, आप इसको फ्रंट टायर में भी यूज़ कर सकते हो, एकदम फ्रंट टायर के लिए भी कंफर्टेबल है। एंड साथ ही में अगर आपके पास R15 है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको बताता हूँ, ये देखो ये R15 का पॉकेट है, अरे सॉरी मैकविल है पीछे का। एंड यहाँ पे देख सकते हो इस पर भी एकदम प्रॉपरली बैठ जाएगा। R15 पे इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे से बैठता है ये, क्योंकि ये इसका यहाँ पे इसको स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा। एंड सेम अगर आपके पास फेजर है, यूनिकॉर्न है, आप कोई भी गाड़ी बिठा सकते हैं जिसका 17 इंच का क्या बोलते हैं पीछे का रिम है। ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी KTM में तो आराम से बैठ जाता है, और अगर आपको NS में बिठाना है तो भी आराम से बैठ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और करते हैं वीडियो को एंड।